हेलो गाइस, आपके अपने चैनल नेस्टेबल नॉलेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार में किस मंत्री को कौन सा पदभार संभालने को दिया गया है, तो ये हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे, मतलब मंत्री को देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 27 मंत्री को कुछ पदभार संभालने को दिया गया है, 30 मंत्रियों को दिया गया है नए पद संभाल दिया, और इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेंगे। तो पहला देखते हैं, राजनाथ सिंह को कौन सा पदभार संभालने के लिए रक्षा मंत्रालय दिया गया है राजनाथ सिंह को, अमित शाह को गृह मंत्री सहकारी मंत्री, तीसरा है नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया है, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय और अर्जुन मुंडा को आदिवासी कल्याण मंत्री, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री, प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, नारायण राणे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सर्वानंद सोनोवाल को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, सर्वानंद सोनोवाल को, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री, गिरिजा कुमार सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज्य मंत्री गिरिजा कुमार सिंह, ज्योतिराज सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू को कानून मंत्री और संस्कृत मंत्रालय, आर के सिंह को ऊर्जा मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय, ये दो इंपॉर्टेंट है, आर के सिंह ऊर्जा मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय, महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, जी किरण रेड्डी को पर्यटन मंत्रालय और अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पर हमने सभी मंत्रियों के को देखा कि इसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह के वीडियो में आपके लिए और लेकर आऊँगा। धन्यवाद।